बनवा रहा है कुछ आइडिया? शुक्ला जी बोल रहे हैं नहीं, 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 वो आप टेंशन मत लीजिए, वो सब आप लोग करवा रहे हैं। किस दो लगी है वहाँ पे, एक चैन वाली लगी है, एक वैसी वाली लगी है। नहीं, 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 वो आप टेंशन मत लीजिए, वो सब आप लोग करवा रहे हैं। किस कौन करवा रहा है? राजन शुक्ला से पंकज, राजन शुक्ला से पंकज, राजन शुक्ला से पंकज। नहीं, 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 वो आप टेंशन मत लीजिए, वो सब आप लोग करवा रहे हैं। किस विभाग से नहीं कराया जा रहा है, हमारे विभाग से रोड बनाने का प्रावधान नहीं है। सभी नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं हूं आपके साथ शुभम यादव। एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं एक बड़ी खबर लेकर, जिसमें पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि रीवा में विकास की गंगा बह रही है या विनाश की यमुना। वहीं अगर रीवा में विकास हो रहा है तो विकास किसका हो रहा है और किस तरह से सुनियोजित ढंग से जनता की गाड़ी कमाई नेताओं की तिजोरी में भरी जा रही है और बरसाती मेंढक की तरह नेता पैदा किए जा रहे हैं, ये पूरा कच्चा चिट्ठा इस पूरी खबर में खोला जाएगा। दरअसल पूरा मामला जल संसाधन विभाग से जुड़ा हुआ है, जिसकी साठगांठ से क्योटी मुख्य नहर की मिट्टी चोरी की जा रही है और बिना स्वीकृति बिना परमिशन के नहर के ऊपर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये निर्माण कार्य भाजपा से जुड़े प्रॉपर्टी डीलर को लाभ देने के लिए किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। मामला क्योटी कैनाल मुख्य नहर का है। नहर के ऊपर भाटी से पुरैना तक सड़क का निर्माण कराया जा रहा है और इस नहर की पाट के ऊपर से किसके आदेश से सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, किसे टेंडर मिला हुआ है, किसे वर्क ऑर्डर जारी हुआ है, किसी को पता नहीं है। उक्त नहर की पाट पर मिट्टी को खोदकर सगरा स्कूल के पास बनाए जा रहे खेल मैदान में पाटा जा रहा है। वहीं सगरा स्कूल जिसके चारों ओर मुरुम निकलती है, उस मुरुम को अवैध रूप से खोदकर नहर में सड़क बनाई जा रही है। अब यहां समझना यह है कि इतना बड़ा इंजीनियर है कौन जो उस मिट्टी को खोदने का पैसा, फिर दूसरी जगह पहुंचाने का पैसा और फिर जिस स्थान पर पहुंचाया जा रहा है उस स्थान को पाटने का पैसा निकाल सकता है। कुछ ऐसा ही मामला कई साल पहले घोटाले के रूप में सामने आया था। वो मामला था रानी तालाब के सौंदर्यीकरण का और सरदार वल्लभ भाई पटेल बस स्टैंड के घोटाले का। आपको याद होगा कि रानी तालाब गहरीकरण के नाम पर जमकर पैसा निकाला गया, उक्त मिट्टी को फेंकने के नाम पर पैसा लिया गया और वही मिट्टी सरदार वल्लभ भाई पटेल बस स्टैंड की पटाई के नाम पर उपयोग की गई और फिर उसका भी पैसा लिया गया। कुल मिलाकर रीवा जिले में दोनों हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथों और दोनों पैरों की 20 उंगलियों से मलाई अगर कोई छान रहा है तो वो सफेदपोश नेता, वो विकास पुरुष है। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली सूचना के अनुसार क्योटी कैनाल नहर के ऊपर से बिना वर्क ऑर्डर के प्रॉपर्टी डीलर के प्लॉट तक सड़क बनाने के लिए रीवा विधायक राजन शुक्ला के निर्देश पर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। सच्चाई जानने के लिए जब हमारी टीम पहुंची तो सड़क और नहर के पास पुश्तैनी निवास करने वाले केपी तिवारी ने बताया कि विगत दिनों राजेंद्र शुक्ला का दौरा हुआ था, उन्हीं के निर्देश पर इस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। उनके भाई ने अपना घर बेचा और उस घर को तोड़कर प्रॉपर्टी डीलर अपनी जमीन तक सड़क ले जाना चाहता है। हमारी टीम सच जानने के लिए कार्यस्थल पर पहुंची तो बिना नंबर के हाईवे बांधों से नहर के ऊपर मुरुम डाली जा रही थी। जिस स्थान पर मुरुम डाली जा रही थी उस नहर के दूसरे हिस्से से मिट्टी खोदकर कहीं और ले जाई जा रही थी। हमारी टीम ने उक्त मिट्टी खुदाई कर रहे ड्राइवर से जानकारी ली तो उसने बताया कि विधायक राजेंद्र शुक्ला के कोई खास है जिनका नाम पंकज शुक्ला है, जिनके द्वारा यहाँ से मिट्टी उठाकर सगरा स्कूल पहुंचाई जा रही है। इसकी भी सच्चाई जानने के लिए जब हमारी टीम उक्त वाहन का पीछा करते हुए सगरा सेकेंडरी स्कूल पहुंची, जहां जेसीबी मशीनों के माध्यम से मुरुम की खुदाई की जा रही थी और उस मुरुम को लाकर नहर में सड़क बनाने का कार्य लगातार चल रहा था। इतना ही नहीं, जिस स्थान से मुरुम खोदी जा रही थी उस स्थान को नहर से मिट्टी लाकर पाटा जा रहा था। इसकी भी सच्चाई जानने के लिए जब हमारी टीम विद्यालय के पास पहुंची तो काम करा रहे युवक ने बताया कि खेल मैदान का समतलीकरण किया जा रहा है। जब हमारी टीम के द्वारा पूछा गया कि यहीं से मुरुम की खुदाई हो रही है और यहीं पर मिट्टी डाली जा रही है तो युवक का दिमाग भी चकरा गया। ये बात भी सही है कि अगर खुदाई की जा रही है तो पटाई क्यों,
खैर अब आप समझिए कि किस तरह से ये पूरा खेल खेला जा रहा है। बिना स्वीकृति बिना विभाग की जानकारी नहर की मिट्टी खोदकर मैदान के समतलीकरण की नौटंकी की जा रही है और बेशकीमती मुरम खोदकर नहर में डालने का कार्य, अपने चहेतों को बिना स्वीकृति के सड़क बनाने का काम अगर कोई कर सकता है तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति ही कर सकता है। इतना ही नहीं, बिना टेंडर के बिना वर्क ऑर्डर जारी हुए कोई काम कर सकता है तो सिर्फ राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति कर सकता है। पहले भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं जहां टेंडर हुआ नहीं, वर्क ऑर्डर हुआ नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे काम हो गए, इसके बाद अपने मन मुताबिक टेंडर जारी होते हैं, वर्क ऑर्डर मिल जाता है और भुगतान हो जाते हैं, यह किसी से भी छिपा नहीं है। इस मामले पर जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर सीएम त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे चैनल के जरिए ही उन्हें जानकारी हो रही है। हालांकि चीफ इंजीनियर ने आनन फानन में एसडीओ को मौका मुआयना करने के लिए भेजा और कार्रवाई की बात कही है, लेकिन जल संसाधन विभाग इस पूरे मामले पर कितनी तत्परता दिखाएगा और कितना तत्पर था ये तो चीफ इंजीनियर के बयान से ही स्पष्ट हो रहा है, जब उन्होंने हमारे चैनल से जानकारी मिल रही है इस बात की पुष्टि कर दी। इसलिए संरक्षण प्राप्त ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो या नहीं ये भी बड़ा सवाल है। कौन करवा रहा है? राजेंद्र शुक्ला से पंकज। मैंने आपसे जिक्र किया कि भ्रष्टाचार कराकर नेता तैयार किए जा रहे हैं, तो आपको बता दूं कि बड़े नेताओं के संरक्षण में यही खनिज माफिया, यही भू माफिया, यही नशा माफिया बेहतरशा पूंजी कमा रहे हैं। अवैध उत्खनन कर नहर की मिट्टी पाट कर सड़कों का भुगतान, बिना काम के भुगतान का पैसा लेकर जनता के खून पसीने की कमाई से अपनी जेबें भर रहे हैं। आगे चलकर किसी विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक चुन लिए जाएंगे और विकास पुरुष की उपाधि पालेंगे। आपको याद ही होगा कि सिमरिया विधायक और सीओ सिरमौर का ऑडियो कैसे वायरल हो गया था। बीजेपी विधायक विकास को आतुर जनपद सीओ को निपटा देने की धमकी देते वायरल हो गए थे, उसमें भी विकास का झोल ही था। अब आपको सुनाते हैं पहले स्थानीय निवासी को जिसने बताया कि किसके निर्देश पर काम चल रहा है। कौन करवा रहा है? राजन शुक्ला से पंकज। ये रोड कौन बन रहा है भैया? नहर वाली बन रही है, कौन बनवा रहा है कुछ आइडिया? शुक्ला जी बोल रहे हैं। शुक्ला जी, राजन शुक्ला। अच्छा अच्छा, कहाँ से कहाँ तक जाएगी जो नहर के ऊपर बन रही है? ये कहाँ से कहाँ तक बन रही है? पुराना से रामा रोड है उधर, बिलहा में अंदर से आरसीसी गली है। हाँ, बिलहासपुर है। घर 25-30 साल पहले बना हुआ। हाँ, वो दिख रहा है। पार्टी बेच दी है हमारे भाई ने। हाँ, तो जिस आगे रास्ता नहीं था, घरे घर था। हाँ हाँ, तो उनके पास फ्रेंड नहीं था, इसलिए उसने तोड़ के पीछे अपना ही प्रयोग करेगा। कौन करवा रहा है? राजेंद्र शुक्ला से पंकज। सुना आपने, राजन शुक्ला जी भ्रमण करने आए, उनके साथ कुछ लोग थे, योजना बनी और विधायक जी ने निर्देश दे दिया कि नहर पर सड़क का निर्माण कराया जाए। अब निर्माण कार्य किसके द्वारा कराया जा रहा है, कौन करा रहा है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। बिना वर्क ऑर्डर बिना टेंडर या विधायक राजन शुक्ला काम करा रहे हैं या इनका कोई चमचा? सुनाते हैं काम में लगे डंपर चालक का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। कौन करवा रहा है? राजन शुक्ला से पंकज। मंगली का काम चल रहा है, सड़क उस बार वाली। अच्छा, वो जो ट्रक है इधर से उधर आ जा रही है मिट्टी, किसका काम है? कौन करवा रहा है? राजन शुक्ला से पंकज। राजन शुक्ला से पंकज। राजन शुक्ला से पंकज। राजेंद्र शुक्ला के पंकज, सुनकर आदमी पंकज शुक्ला मोटे से है, गोरे से। अच्छा अच्छा, उन्हीं गाड़ियां हैं सभी कहीं यहीं की हैं क्या वो पंकज? तो सुना आपने, डंपर चालक किसी पंकज शुक्ला के अंडर में काम होने की बात कर रहा है। पंकज कौन है, इस पूरे मामले से पंकज शुक्ला का क्या लेना है, क्या देना है, ये भी जांच का विषय है। हालांकि राजेंद्र शुक्ला के कई कार्यक्रमों में इन्हें देखा गया है। नाम न छापने की शर्त पर लोगों ने बताया कि पंकज शुक्ला ही विधायक के कार्य देखता है और राजनीति में आने के लिए पहले पायदान पर चढ़ रहा है। अब आपको सुनाते हैं विद्यालय से मुरुम और नहर से मिट्टी लाई जा रही है, इस पूरे मामले का प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहा है, जो सगरा का मूल निवासी है। कौन करवा रहा है? पंचायत है ये सगरा। सगरा? हाँ। जो ट्रक की गिट्टी लेके जाता है सगरा पंचायत से ले जाता है, ये पत्थर मुरुम मुरुम ले जा रहे हैं ये। हाँ हाँ, कहाँ से ले जाते हैं ये? दुबई की उस पार लगी है खदान। किसकी है खदान? ये खदान है, एक जन जमीन खरीदे थे। हाँ, तो वही अपने से निकलवा रहे हैं, अब ये हम ना बता पाएंगे ज़्यादा। अच्छा,
यही ट्रक लोड कर रहे हैं? हाँ हाँ, ये ट्रक जा रहा है, ये डोकरी के उस पार लगी है। थोड़ा स्कूल भी है, स्कूल का मैदान बन रहा है। अच्छा, उसका भी माल निकल रहा है। तो ही माल को रोड में ले जा रहे होंगे बनाने के? ये नहीं जानते, वो अलग से जा रहा है, वो अलग मशीनें लगी है। अच्छा, जेसीबी दो लगी है वहाँ पे, एक चैन वाली लगी है, एक वैसी वाली लगी। ठीक, कौन करवा रहा है? राजन शुक्ला से पंकज। तो सुना आपने, ये जो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से भारी वाहन एक तरफ से मिट्टी ला रहे हैं, दूसरी तरफ से मुरुम ले जा रहे हैं, वह सगरा ग्राम पंचायत के विद्यालय के समीप स्थित पहाड़ी और जो खेल मैदान का निर्माण चल रहा है उसका दोहन कर रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं विद्यालय के मैदान में समतलीकरण का कार्य करा रहे युवकों को, उनका क्या कहना है, सुन लीजिए किस तरह से पूरा काम चल रहा है। कौन करवा रहा है? राजन शुक्ला से पंकज। तो ये वही खुदाई चल रही है स्कूल के? स्कूल के नहीं, कटाई चालू करेंगे बराबर। कहाँ? ये बराबर करेंगे अभी। अच्छा, मैदान बन रहा है तो स्कूल के बिल्डिंग खड़ा लाग से गिर जाए। स्कूल के किनारे तक खोदे देते तो किनारे पानी ना भर जाए। मैदान बन रहा है, मैदान बन रहा है, सरकारी मैदान स्कूल खेल मैदान। ये रोड आगे कहाँ निकल जाती है? ये रोड मेन रोड में। हम लोग सोचे कि स्कूल खुदाई कर रहे हैं क्या, तो खोदते खोदते अगर स्कूल की बिल्डिंग तक। क्या वो आप टेंशन मत लीजिए, वो सब आप लोग करवा रहे हैं? हाँ। किसका है ये? पंचायत तरफ काम है, सरकारी काम हो रहा है। सरपंच कौन है यहाँ की? सरपंच है साहब, वो है बाल आए। विद्यालय का जो खेल मैदान बन रहा होगा, सगरा में आता है ये? सगरा है ये ना, मुरूम बहुत है यार, ये पूरी पहाड़ी उसी में भर रही है। मुरूम में क्या यही फीलिंग हो रही है? पहले चोरी हुई है, ये बहुत पहले बहुत ऊंचा रहा, चोरी हो गई। ऊंचा था ये, उधर देखिए ना, उधर बड़ा डिस्टेंस, वही अधिक रहा, इतना ऊंचा था इधर सब खुदाई। इधर क्या है, इसको बराबर करना है। अरे यहाँ जहाँ हम लोग ये फीलिंग करवाए हैं, यहाँ खदान थी, यहाँ हम लोग फीलिंग का करवाए हैं। यही से मुरूम ले जा रहे हैं क्या नहर में? नहीं, वो नहीं पता, वो तो वहाँ भी हो रहा है ना, वो दूसरे की लगी जैसे। ये तो पट्टे में हमारा खो रहा है, वो क्या पता वो दूसरे की लगी जैसे। जो नहर ले जाते कर सकते हैं, बाकी अपने ये सब सरकारी काम। आप लोग प्राइवेट अपनी जमीन में खुदवा रहे होंगे? कौन करवा रहा है? राजन शुक्ला से पंकज। पूरे मामले को लेकर जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर सीएम त्रिपाठी को सुनाते हैं, जिन्होंने माना कि ना तो कोई अनुमति है, ना कोई वर्क ऑर्डर है, ना ही विभाग को जानकारी है कि भाटी से पुरैना तक केवटी कैनाल की नहर के पार्ट पर सड़कें क्यों बनाई जा रही हैं। सर, ये अपनी केवटी मुख्य नहर है जी, इसमें भाटी और पुरैना के बीच में निर्माण कार्य चल रहा है, सड़क का निर्माण कार्य किसके द्वारा करवाया जा रहा है सर, और कितनी लागत का है? ये विभाग से नहीं कराया जा रहा है, और अभी सूचना आपके माध्यम से ही मुझे मिली कि वहाँ पर कार्य चल रहा है, तो मैं एसडीओ को भेजा हूँ, वो जांच करके शाम तक प्रतिवेदन दे देगा। जिसके द्वारा बनाया जा रहा है वो नहर को नष्ट? हाँ, पूरा, हाँ पूरा प्रतिवेदन बना कर वो देगा कंप्लीट, और कोई अनऑथराइज्ड कर रहा है तो उसके खिलाफ एफआईआर करने के लिए निर्देश दिए। अक्सर देखने को मिलता है कि नहर की मिट्टी को लोग उठा ले जा रहे हैं और कार्रवाई नहीं हो पाती, कहाँ पर ये व्यवधान उत्पन्न होता है, नष्ट किया जा रहा है पानी, समय में फूटती हैं किसानों की फसलें नष्ट होती हैं। शहर के नज़दीक में ये समस्या है, और कम से कम 50 से ज़्यादा एफआईआर हुई है। अब कभी लोग रात में खोद के ले जाते हैं, दिन में खोल ले जाते हैं, विभाग अपनी तरफ से पूरा प्रयासरत है, पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है, परंतु ये जो माफिया लोग हैं मिट्टी खोद कर ले जाते हैं ट्रैक्टरों से, ये समस्या है। आपका कथन बिल्कुल सत्य है, विभाग पूरा प्रयास कर रहा है कि इस प्रकार की। अगर ठेकेदार जो बना रहा होगा बिना अनुमति के बना रहा है, बिना स्वीकृत अगर नहीं है, उसको किसके द्वारा स्वीकृत हो सकती है, कैसे बनाई जा सकती है आपके नहर में सड़क? अब मैंने एसडीओ को हमारे यहाँ प्रक्रिया ये है कि जितनी निर्माण एजेंसी है सड़क की, RDS है, PWD है, ग्राम पंचायत है, वो हमारी नहर के में सर्विस रोड बनी है, हमारे विभाग से रोड बनाने का प्रावधान नहीं है सर्विस रोड,
तो हम लोग अनुमति देते हैं और उसमें शर्तें रहती हैं कि विभाग के निरीक्षण में होगा, विभाग के मापदंडों के अनुसार कार्य किया जाएगा। तो हम लोग ये अनुमति उनको देते हैं। परंतु भाटी वाली अभी अभी कार्यपालन से भी पूछा है, अनुमति नहीं है। SDO को आज ही भेजा हूँ, शाम तक प्रतिवेदन मिल जाएगा, इसके बाद आपको हम बस इससे बताएंगे। देख लिया आपने किस तरह से रीवा जिले का विकास हो रहा है। बिना टेंडर, बिना परमिशन, बिना वर्क ऑर्डर जारी हुए नेताओं के चहेते ये कहें कि इनकी आड़ में नेता कैसे अपनी तिजोरी भर रहे हैं, जनता को विकास का झुंझुना थमा रहे हैं। दर्शकों, विकास नेताओं का हो रहा है, विकास हो रहा है इनके चमचों का। आपको ना रोजगार मिलेगा, ना शिक्षा मिलेगी, ना स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त होगी, ना ही सड़क, ना पानी। आपको मिल सकता है तो कुछ और नहीं बल्कि वादों के झोले। झोले भर भर के ये नेता लगातार आपसे वादे करेंगे और वादा निभाएंगे नहीं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।